बोकारो पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीड़ित डॉक्टर इरफान अंसारी के मखदमपुर स्थित आवास पर मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। बोकारो के डीसी और एसपी को उन्होंने चिकित्सा को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब तक हैं तब तक अगर चिकित्सकों पर हमला होगा तो यह सरकार पर हमला होगा। मंत्री ने कहा कि हमला सरकार पर है तो जवाब भी मुंह तोड़ होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक भगवान होते हैं, ऐसे में चिकित्सक पर हमला कहीं से उचित नहीं है। प्रशासन जल्द अपराधों को पकड़ने का काम करे। बता दें कि देर रात कुछ अपराधियों ने डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी पर फायरिंग की थी जिसमें डॉक्टर बाल बाल बच गए। तो अपराधियों ने डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ियों पर फायरिंग की। गनीमत रही कि इरफान अंसारी बाल बाल बच गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीड़ित डॉक्टर इरफान अंसारी के मखदमपुर स्थित आवास पर मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। आज के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं और राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। तब तक यदि कोई भी चिकित्सक पर हमला होगा तो हम मान के चलेंगे कि ये सरकार पर हमला है, और जब हमला सरकार पर होगा तो जवाब भी मुँह तोड़ होगा। आपको याद होगा कि धनबाद में भी एक ऐसी घटना घटी थी, एक चिकित्सक दंपति के साथ जो है सड़क के डकैतों ने कुछ हमला किया था, आप लोगों को याद होगा। उसमें भी मैं आया था और आकर इमीडिएट कार्रवाई करवाई थी। अभी भी हमने एसपी साहब को डीसी साहब को कहा है, इनको सुरक्षा के लिए अभी सुरक्षाकर्मी भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है, क्योंकि चिकित्सक को हम लोग भगवान के अवतार के रूप में जानते हैं, मानते हैं, और चिकित्सक पर हमला करना ये कदापि उचित नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए बोकारो से संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके। संजीव, डॉक्टर इरफान अंसारी के गाड़ियों पर अपराधियों ने फायरिंग की और गनीमत रही कि ये बाल बाल बच गए। फिलहाल ये पूरा मामला क्या प्रतीत हो रहा है और साथ ही अगर बात करें तो इस मामले को लेकर क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का? निश्चित तौर पर जिस तरह से बन्ना इरफान अंसारी पे कल रात में गोली चली है, 5 गोलियां चली है। गोली चलने के बाद बाल बाल बचे, उनकी गाड़ी पर गोली चली लगी और उसके बाद घर जाने के बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद जो आज उनका बोकारो में कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान मेडिकल के अधिकारियों ने उनसे बात की और जा करके उन्होंने कहा कि इरफान, इच्छा जताई कि इरफान अंसारी को मिलना है और उनके घर पे जाके मिली, हाल चाल ली और हाल चाल लेने के बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन लगाना बहुत जरूरी है और जिस तरह से भगवान का विश्व डॉक्टर है तो इनके ऊपर गोली चलना जो है बहुत दिक्कत का बात है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन को कहा है कि उनको जो है उनके अगल बगल जो है पुलिसकर्मी तैनात की जाए, पुलिसकर्मी जो है बॉडीगार्ड की एसपी को कहा है कि बॉडीगार्ड इनको जल्द से जल्द मुहैया करा जाए। लेकिन जो डॉक्टर हैं मिलनसार डॉक्टर हैं और डॉक्टर जो उनका कहना था कि जिस तरह से हम लोग आप पैसे से डॉक्टर हैं और जो हम लोग इलाज करते हैं तो कौन किस भेस में आता है, कोई नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मेरे ऊपर गोलियां चली है उसको पुलिस जो है जांच पड़ताल करके अविलंब अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए आपका।